दूध और पानी को एक साथ मिला दें तो एक भाव बिकता है, एक ही रेट होगा। और भाव शब्द भी बड़ा विशेष है, कहते हैं भक्ति में भाव ना हो तो कैसे मिलेगा। समर्पण को भी भाव कहते हैं, आपकी प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव स्व का भाव, ये भी भाव है। और असर डाले तो प्रभाव, ये भाव देखेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन हमें एक ही जगह पे रखना चाहते हैं कि भाव जो है कीमत है। बोले भाव के भूखे हैं भगवान, कीमत चाहिए उनको भी। कौन सा कीमत चाहिए? श्रद्धा की कीमत पे, समर्पण की कीमत पे। तो जल पय सरी से बिकाए, पानी भी अगर दूध में मिला दें तो पानी का भाव भी कीमत भी दूध के भाव के बराबर होता है। नहीं, दूध आप खरीदने जाते होंगे तो बचपन से हमने देखा कि बस पहले से बाल्टी में ही पानी रखते हैं, गर्म पानी, ताकि फेन मारे और उतना घर ले जाते ले जाते तक आधा किलो, एक किलो दूध पौने किलो बचता था, और पौने किलो में पाव भर तो पानी ही होगा, क्योंकि वो फूल जाता था फेन फेन गर्म पानी, बाल्टी भी गर्म करके दूध सामने दो के दूध देंगे। तो पानी मिला दें तो पानी का भाव भी दूध के बराबर हो जाता है। और अगर उसमें नींबू निचोड़ दे तो पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग, उस पानी को बेच के दिखाइए दूध के भाव बिकेगा नहीं बिकेगा। तो कपट अगर जिंदगी में आ जाए, दो लोग एक साथ प्रेम से जीते हो, अगर उसमें झूठ छल फरेब आ जाए तो दोनों के भाव में परिवर्तन आता है, कीमत बदल जाती है, साथ नहीं रह सकते। तो भोलेनाथ जैसे सिद्ध समर्थ परमात्मा के घर में भी झूठ और अविश्वास से फूट पड़ सकता है, तो आम इंसान अपने घर की हालत समझ लेना है, स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि कितना झूठ और कितना सच, कितना जरूरी है बोलना उतना ही बोलिए, नहीं तो कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है, आदत के हिसाब से भी बोलते हैं, नहीं मन है तब भी है यहां बैठे हुए तो बोले बोले नहीं मधुबनी गए थे हम अभी, तो कहां है आप? तो रास्ते में आप बैठे हैं जगत बोल, आदत है कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप जान रहे होंगे आसपास के लोग। तो इस तरह से फूट पड़ गया, भोलेनाथ समाधि में चले गए, सती जी को बहुत एहसास हुआ, उनको पश्चाताप हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने परमात्मा की परीक्षा ली, भोलेनाथ के बात पे विश्वास नहीं किया और इसलिए मुझे ये झेलना पड़ रहा है।